जाने लगे कैसे आपन भूखी आई पिया सिया सुनाई है हो माया अरे हमारी माया छोपरा भाई मार के हत्या कर दी जवा मारे वाला दोस्तों बगल में पड़ोसी है और चलो दोस्तों आप सब लोग खावत रहा और जो कुछ हो और सबके लिए घर एकदम पछता है और परेशान है और कुछ हो तो ना आएगा और पुलिस प्रशासन पूरा कार्रवाई अच्छे से तरीके से ना करत बाटे और बहुत दिक्कत बा और भाग दौड़ बहुत ज़्यादा होत बा लेकिन कौनों फर्क ना पड़त बा। दोस्तों हमार भौजी देख घुमाओ कर हमार भौजी देखा ऐसे यहीं से अपन करीन है और अकेले जब जात रहे थे देखते रहे तो जैसे हमारे भौजी है जब पहुंची वही थे पूरा ये घर है देखा जो सामने और इसका घर है और खिड़की उड़की लगी हुआ और सामने से हम देखे हैं कि हमारे भौजी काल मार भौजी भौजी यही घर है और यही कहीं जब गए रहे हमार भौजी शाम के 5 बजे के सब लगभग 5:30 ये रास्ता पकड़ के जात रहे तो आगे ये देखे बाप मार के जो ऊख दिखात गन्ना खेती हम दिख वैसे मार के उन्हन जंगल बगल में सरपत बाटे और वही बगल में बढ़ा और कड़ाहा में मारे और मार के उन्हें पहले गन्ना खेते में लियावत गए हैं तो गन्ना खेते में पूरा पहले छुपावत गए हैं पहले तो हम सब जब ढूंढे गए पहले सब घरे वाले गए हमारे घरे वाले गए तो पहले जो सामने दिखात बाटे गड्ढा वहीं पहुँचत गए सब जने तो वही हमारे भाभी को मार के जैसे मारा गया रहा तो उनकर दांत और खून ब्लड वहीं मिले रहा आगे सामने तो मारे के बाद उन्होंने उठा के पहले भाभी के लाश उठा के लिए आए नहीं गन्ना खेते में करत गए हैं गन्ना खेते में से फिर हम सब हेरे ओरी के जब चला जाते लगभग 12:30-1 बजे के आसपास उन्होंने फिर वैसे उठाए के नहीं जाए के कम से कम मतलब दूर कम से कम 400-500 मीटर दूर और जंगले में उन्हें ले जाए के रखे रहे तो यह कौन हुए ना आए रहे दोस्तों खाली हमार भैंस उतरे खेते में जाए के
सामने वो गन्ना दिखा दे गन्ना का आगे फुड़पुकर सरसों छीटे हो तो उनके खेते में सरसों जामुन आए रहे खेते में कहीं आगे चली गई रही दूसरे खेते में तो फिर बाद में ले आओ तो कोई कहीं आए रहे तो उन्होंने एक नाते गरियावत रहन कहें कि मार नहीं आई तो सबके बहुत होकर पहाड़ सब दिन आई हुआ चार दिन में सब कुछ दिखाई दे और उन्होंने यही कहे हैं दोस्तों चार दिन में हमारे भाभी कुमारी की मर्डर करके और इन बगले मर्डर करे रहे मर्डर करे के बाद उन्होंने ले गए जंगले में पहले छुपाए फिर बाद में जंगले में छुपाए और पुलिस प्रशासन पूरा होकर खोजबीन ना करे कहाँ इसके पुलिस प्रशासन के वो लोग बहुत पैसा वैसे जमा कर दे रहे हैं एक नाते पुलिस प्रशासन हमारे सब उतना धू ना करे और उन्होंने खोजबीन भी ना कही गए कि इतना बढ़िया से कि उन्होंने पूछताछ भी ना भ इतना कि उन्होंने अपन जुर्म कबूलें तब एक मिले यानी करे हैं कुल मिल के जुर्म लेकिन खाली एक मिले जुर्म कबूले बाकी अन्य लोगों को हम बचाए दे तो हमारे बिहान उन्होंने एहर ओहर दौड़ के कि हमारे सपोर्ट करके हमें छुड़ा ले बात है और कोनो यानी प्रशासन जब पैसे खाई जाता था तब फिर कोनो सुनवाई ना होते तो उन्होंने प्रशासन जो लिख के दे दिए अगले वही माना थे तो हम सब क्राइम ब्रांच से मांग करे रहे दोस्तों लेकिन क्राइम ब्रांच वाले भी अभी तक कोनो उठो ना कहे और न हमें सब खाली आश्वासन दे दिया था दो दिन बाद आओ तीन दिन बाद आओ जो दौड़वा जाता हम सब दौड़ दौड़ एकदम पछता ही दोस्तों और आप सब एक कमेंट कराओ लाइक करा शेयर करा और वीडियो बहुत दूर तक पहुंचाओ योगी तक पहुंचावा और जितने हम आप सब शेयर करत जावा जितने धुआ करत जावा उतने हमारे सब भला होए और हमारा थोड़ा का नाम है केस पे हला भला होए ना है तो करो हला भला हो जाला ना इंसाफ हमें इंसाफ चाहिए और हमारी भाभी का जो मर्डर किया है उन लोगों को सब सबको एक 302 का मुजरिम है सब लोग को 302 का मुजरिम सबको किया जाए चारों लोगों को और जो उसमें भी लिप्त पाया जाए सबको पकड़ के उनको अरेस्ट किया जाए और उनको सब धारा लगे और जो साक्षात छुपान रहे कि हम लोग साक्षात खाली छुपाने लाश छुपाने की में थे ऐसा नहीं था वो सब मर्डर में थे और लाश भी छुपाए तो खेतीबाड़ी के मर्डर के पहले से झगड़ा चला था 6-7 साल पहले से और हम सब का कुल धू ना ले रहा लेकिन जब भैंस परी रही ओकरे खेते में तो हमारे औरत के धमकाए रहा और मारे की धमकी दे रहा तो हमारे औरत के ना मार के वो हमारे भाभी को मार दे सर तो ये आप सब कैसे का कह जाए हमारे सब कुछ समझ ना आओ दो हमारे औरत है आप सब कमेंट करत जा और न्याय मिलना चाहिए दोस्तों कमेंट करो न्याय दिलवाओ हम लोग के और शेयर करो साथ मिले जरूर कातिल पकड़ा जाए हमारे सह के अथवा सुनवाई नहीं होता है प्रशासन पैसा खा कर बैठ गया है और जो उनके हमें सह के जल्दी जल्दी ना मिले चाहे न्याय चाहिए दोस्तों जरूर होना चाहिए न्याय होना चाहिए दोस्तों और यही रास्ता है और सामने मुजरिम यानी जो अपराधी है उसका घर है यानी भाभी इसी रास्ते से आई तो इसका पहले ही सामने घर पड़ता है तो यही देखा था कि भाभी इधर से आ रही है और भाभी इधर से आई तो उधर गई लकड़ी उधर रखा था तो लेने के लिए और ये लोग यहाँ से तुरंत टेंगारी फावड़ा जो पाए और कुल्हाड़ी फुड़ारी सब लेके वहाँ जाके उन लोगों ने मर्डर कर दिया भाभी को मर्डर करके छुपा दिए लोग और साक्षात अभी पुलिस वाले पूरा ढूंढे भी नहीं साल इधर ही पड़ा था और का नाम है बाम्बू में खून लगा था सब कुछ इधर ही था तो हम लोग उसको साच को उठा के पन्नी में भर के रखे हैं और पुलिस वाले जब बराबर जांच पड़ताल नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है और यही है घटना और देख सकते हैं इसका सामने ही घर है तो सामने ही घर है तो सामने अगर आदमी जाता है तो ये लोग देख कोई भी शाम को 5 बज रहा है तो ये लोग जाके मर्डर कर दिए तो अभी क्या करें हम लोग को समझ नहीं आ रहा है आप लोग दोस्तों हम लोगों का सपोर्ट करो और जहां तक हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट करो कि न्याय मिलना चाहिए चलो दोस्तों और जो होगा आप लोगों को दिखाता रहूँगा और ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट कर जरूर बताओ और न्याय दिलाओ जय हिंद भारत।